<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله عدد ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لسان يفقه قولي. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ الَّذِي أَرَسُلْتَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ونذيرا ونحن अरसलतूलिन ذلك من الشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته वर्कान बहुत सारे लोगों के मैसेज डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं आ, कुछ लोगों के बेल्जियम से आ रहे हैं कुछ के लखनऊ से आ रहे हैं कुछ के पाकिस्तान से आ रहे हैं कराची से लाहौर से इस्लामाबाद से वालेकुम वालेकाम वरह वरक वॉक के बारे में हम आपको बताएंगे बहुत जल्द जब स्टार्ट होगा इंशाल्लाह एंड आई रियली अपोलोजाइज यू गाइस फॉर द डिले एंड आई एम यू नो अमेज्ड एट योर पेशेंस माशाल्लाह के अगर मुझ जैसे बंदे की बात करें तो शायद मैं इतना वेट ना करूं किसी लेक्चर का लेकिन द फैक्ट दैट यू आर वेटिंग एंड स्टिल वेटिंग एंड कीप ऑन वेटिंग इट्स अ बिग साइन ऑफ डेडिकेशन एंड हिमा Yani ulul from allah subhanahu wa ta'ala a high level of dedication MashaAllah Barakallahu fikum may allah bless you all and may allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for us and may allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us and may allah subhanahu wa ta'ala praise us for spending time learning his deen okay bismillah ar-rahman ar-rahim नमाज है द नाइट प्रेयर क़यामई तहजद ये वो रास्ता है जो अम्बिया ने लिया मुजद्दीन ने इस पर टाइम इन्वेस्ट किया वो मुजद्दीन जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बदल के रख दिया और चेंज किया और इस्लाम को रिवाइव किया इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इसका वक्त निकाला It is one of the chiefs of all techniques to revive our iman. It is a way to restore the broken hearts, and it is a way to have a deep and strong relation with the Lord of heavens and the earth. And Allah Subhanahu wa Taala ne isko bade kamal se ata yani हमारी जो रूटीन्स डेवलप कि इस तहजद के लिए वो रमज़ान से शुरू कि और रमज़ान में एक हमारा ऐसा स्केजल डेवलप किया कि जिसमें एक अजीब सी हिम्मत होती है इंसान के जिसम में और वो 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 कर पाता है जो बाकी साल के कुछ महीने नहीं कर पाता और वो पहली रमज़ान से ही शुरू हो के आखिरी रमज़ान तक जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली it is meant to last a bit longer. it is meant to last for the next 11 months. but as soon as ramzan leaves us, we leave this special prayer, the night prayer. it is an act which was an introduction to a nubuwa, to the prophethood. this act is a paradise on earth. it is a gift.

लैल को पकड़ो थाम के रखो क़यामुल लैल को थाम के रखो नबाल बेशक जान लो कि ये जो तुम्हारे से पहले पायस पीड़ि गुजरे नेक लोग गुजरे ये उनका तरीका था ये उनका रवैया था ये उनका काम करने वाला था वर्बतु वा इला और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है अल्लाह के पास जाने का उस रिलेशनशिप बिल्डिंग का ज़रिया है वो बनहा तु अनिल और ये गुनाहों से रोकता है वह तकफीर उस सयात और गुनाहों को धो डालता है ख़त्म कर देता है वह मत रद्दू रद्तु अनिलजद और ये जिसम से बीमारियों को निकाल के फेंक डालता है यानी जिसम को बीमारियों से शिफा देता है एंड आई यू नो ट्राई टू मेमराइज दिस हदीस फ्राम नबी मोहम्मद सल्हल और विल ब्रेक इट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस वॉज फू दिन कि ये तुम्हारे से पिछले नेक लोगों का तरीका है उनका रवाज था उनकी लाइफ का एक स्केजूल था वो उसको वो उसको अपनी लाइफ का एक मैंडेटरी पार्ट बनाए करते थे और आप जितने सरफ साल को देखें पिछले आप इमाम को देख लें आप ओलमा को देख लें आप अलिया को देख लें आप और अलिया में से सबसे बेहतरीन अलिया इसहाब रसूल हैं और सलहीन में से सबसे बेहतरीन जो साल इंसान है वो रसूल सल वसम है अभी ये नबूत का आगाज़ ही है और अल्लाह सुन्न तीसरी ही सूरत में और कुछ मा कहते हैं कि ये चौथी सूरत है मेजॉरटी ऑफ द स्कॉलर्स यहूहल मुजम्मिल कुला निसफ हू أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي علي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا अभी इकर नाजिल हुई है इकरा बिसम रब खल दूसरी सूरत या अयूहल अय्यूलमुदर नाजिल हुई है और तीसरी सूरत मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स के ओपिनियन या अयूहल मुजम्मिल नाजिल हुई और अब वही की शुरुआत है और अब एक बड़ा मिशन दिया जा रहा है और अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि इससे पहले क्या आप बड़े मिशन के लिए तैयार हों आप क्या मुलैल को अपने पे लाज़िम पकड़ लें कुमिल कुमिल कुमिल्ली यानी रात को क़याम करें कलीला एक्सेप्ट थोड़ी रात के थोड़ी रात आराम कर लें लेकिन रात को आप क्या करें यानी मेजोरिटी ऑफ द पोर्सन ऑफ द नाइट प्रेम और फिर ने तखफी किया कहा नस्फ हूँ अबिन कलीला उसको आधी रात को क्याम करें अबिन खुस कलीला यानी इसमें प्लस माइनस कुछ करें अवज अली ही ही कुरान तिल तरतीला या तो थोड़ी कर लें अवजा आल ही ही कुरान तरतीला और या उससे तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें और क़ुरान को किस तरह पढ़ें तरतील के साथ ठहर ठहर के साथ एक एक लफ्ज़ को अदा करके पढ़ें क्यों या आपने क्यों करना है इन्ना सनकी आलई का काउल सखीला हम आप पे बहुत भारी कलाम नासिल करने लगे हैं आप पे बहुत भारी बर्डन डालने लगे हैं आप पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी डालने लगे हैं और वो ज़िम्मेदारी क्या है इन अरसई काम अरसा का रहमत आलमीन क्या आपको हमने आलमीन के लिए तैयार किया है आप सिर्फ़ इंसानों और ज्लान के लिए तमाम आलमीन के लिए नबी बन के भेजे गए हैं क्योंकि बेशक इन लिह अशा दुआ के रात का उठना रात को क़याम करना नफ्स को कुचलने को के लिए नफ्स को सबलाइम करने के लिए नफ्स को अपने ताबे करने के लिए नफ्स को ग्राइंड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए और टेम करने के लिए बहुत काफ़ी है वह अखवा मुकीला और बात करने में सबसे बेहतरीन है यानी इट विल मेक यू स्पीक स्ट्रेट वर्ड्स वो आपकी स्पीच को बेहतर करेगा आपके अल्फाज में तासीर को डेवलप करेगा एंड यू विल स्पीक राइट वर्ड्स और अल्लाह के सल्लम तो पहले ही सदक उमीन थे ये मैसेज अल्लाह तलाफैक्ट तो हम लोगों को देना चाह रहे हैं और फिर कहते हैं इन का फिन हारी सब तवीला बेशक आपके दिल में बहुत सारे काम होते हैं और अल्लाह के नबी के क्या काम थे यानी वो क्या काम करते थे सुबह सारा दिन ही दीन खिदमत कर रहे हैं दीन को फैला रहे हैं अमर मारूफ कर रहे हैं या नहीं मुनकर कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं और गार्ड कर रहे हैं और समझा रहे हैं और मदीना की रास्त तो बिल्डअप कर रहे हैं तो ला कहते हैं वस्मा रब तब तब्दीला तो अल्लाह का जिक्र करें व तब तरही तब्दीला और अलीदा हो जाए सोलिट्यूड इख्तियार कर लें अल्लाह के होकर रह जाए यू नो इनकाफ़िन नब हा सबहा हा का मतलब पता है क्या स...

भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी रात का क़याम करना है आधी रात का क़याम या उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम ये रसूल का है रबुल मशरमी -mashriq, कि अल्ला रबालमीन जो मशरक़ और मग़रब के रब है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है उसी को अपना दोस्त बनाए उसी को अपना कारसाज़ बनाए और अल्लाह सर इसी सूरत में यानी अल्ला रसोल्लासम पे तीसरी सूरत नाजिल हुई राइट इमेजिन और कितना पोर्शन तो कुरान नाजिल हुआ होगा बहुत थोड़ा पोर्शन तो कुरान नाजिल हुआ है और अल्लाह सल्लम आधी रात क्या पढ़ते होंगे इन्हीं आयात को बार 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 बार, बार पढ़ते होंगे और अपने रब को इन आयात से याद करते होंगे और खड़े हो इस अजीम ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए अपने रब को बनाते होंगे और अपने रब से राजज करते होंगे बिकॉज यू नो सॉलीटूड इज़ अ प्लेस वेयर जीनस लिव और अल्लाह के नबी वसल्लम सॉलीटूड में अक्सर टाइम गुजारा करते थे एंड लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सोलिट्यूड अल्लाह खुद जो सुलजिल में कहते हैं कि रबा का यालमु होन्ना का तक मिन लैली व व व व सुल क्या क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग जो है ना वो टू थर्ड ऑफ द नाइट यानी रात को तीन हिस्से करें तो दो हिस्से रात के क्याम करते हैं और कुछ लोग यू नो लेस देन दैट कुछ लोग से कुछ लोग आधी रात का क्याम करते हैं कुछ लोग वन थर्ड ऑफ द नाइट यानी जो आपके साथ हैं यानी अभी दीन का आगाज है और आप देखें कि उनका डेडिकेशन लेवल उनका तजगिया लेवल क्या है कि वो लोग उठ के क्या शुरू हो गए हैं अब राह कहते हैं कि जब भी मैं घर से निकलता यू you नो know, कुछ लोग ना हैव नाइट लाइफ राइट दे हैव नाइट लाइफ दे गो आउट एंड दे 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 यू नो जस्ट लव टू यू नो स्टे एट नाइट और घूमना फिरना और यानी नेक हैं अबू जिनाद और तो नेक इंसान थे ने इबादत करना सो बिफोर फर्जर ही यूज टू पास नबी और घरों के पास से गुजरते थे कहते हैं कि मुझे हर घर से कुरान के पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी एंड अगर हमें कुछ चाहिए होता किसी भी मर्द से या औरत से तो हम लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट को हमें पता होता था कि एवरी इज़ अवेक मदीना रात को जाग रहा होता था इट वॉज अट कोई किस टाइम उठ रहा है किस टाइम उठा क्या मोलाल के लिए रात जाग रहे हैं उूस इब्लान अल यमनी बड़े फेमस ताबे हैं कहते हैं नाइट ये ताबे हैं और कहते हैं कि मैं सहाबा में से मैंने किसी को नहीं देखा कि जो रात के तीसरे हिस्से में आराम कर रहा हो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज कि कोई सो, सोता ही नहीं था और इट वॉज स्ट्रेंज के जब पूरी कायनात सो रही है तो ये मुसलमान हैं जो खड़े होके कयाम रहे थे और अगर ताउस राहल्ला हमारे दौर में आ जाए और हमें देखें तो क्या कहेंगे कि मैंने किसी को नहीं देखा कि रात को तीसरे हिस्से में उठ के इबादत करता है वन इज अवेक एट दू नो लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट एक्सेप्ट इलाम रबी जिन जिन पे अल्लाह का रहम है अहमद अबिन हमल्ला इनके पास एक स्टूडेंट आया इनका स्टूडेंट था और वो गेस्ट बन के आया आपने कहा कि तुम मेरे पास रहो मैं तुम्हें यू नो लेट मी अलाउ यू टू होस्ट अलाउ मी टू होस्ट यू एंड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ हदीस ही वॉज अ तलिबल ऑफ हदीस और इमाम अहमद अहमदरू ने रात को उसके लिए जो बंदोबस्त किया सोने का और उसमें साथ पानी का एक मटका भी रख दिया कि क्या मैल के लिए ज़रूरत पड़ेगी और जब सुबह उठे और उसने यानी फजर की नमाज के बाद देखा तो वो जगह से हिला ही नहीं था इट वॉज एट इट्स प्लेस और पानी उसमें से इस्तेमाल नहीं हुआ था तो कहते हैं सुबह सुबह الليل ये हदीस है जो कि रात को उठ के कुरान का वेद नहीं करता कुरान की तिलावत नहीं करता और क्या मुल नहीं पढ़ता

हमने अपने चेहरे पे दाढ़ी से सजाई हुई है और टखनों से पाँच उबर किए हुए हैं एंड से वी लव इस्लाम बट वी नेवर प्रे एट नाइट सिस्टर्स नाइटर अबाया और माशाल्लाह हिजाब और दीन की यानी तो लाबुल इल्म और कोई तफसीर है कोई हदीस पड़ा है कोई किसी तरह से दीन काम एंगेज है कोई लोगों की खिदमत कर रहा है खाना खिला रहा है एंड वी डोंट प्रे एट नाइट दिस इज यू नो अजीब अल्लाह हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ पर्सन हु लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर डॉट फॉर नाइट प्रेयर एंड हमें पता है कि हमें कबरना है दबाना है हमें मालूम है और यकीन है कि हमने मलकुलमौत का चेहरा देखना है और हमें मालूम है कि क्यामत के दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा सवाय अल्लाह के अरश के सायके उस दिन हमने हाजिरी देनी है और अपने रब के हजूर पेश होना है लई साई नई नर्जुमानला हिजाब ना भी इस पर ट्रांसलेटर होगा ना कोई कर्टन होगा वन टू वन अल्लाह के सामने खड़ा होना है एंड वी डोंट सो दिस इज द थिंग विच वॉज प्रीडमिनेट लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी जो साल थे उन्होंने कभी इसको नहीं छोड़ा तो हम में भी चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और दूसरी चीज़ क़ुरबत Allah says, You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Lail A shortcut and a staircase to Allah Subhanahu wa taala is in the last third of the night. Tata

और रब को पुकारते हैं खौफ़ से कि यारब जहन्नम का खौफ कब्र के स्क्वीज करने खौफ कब्र में अंधेरे का खौफ पुलसरात का खौफ कंतरा का खौफ अपने गुनाहों के अंधेरों का खौफ व तम और हब से मफ़रत की रहमत की उम्मीद अल्लाह की जन्नतों की उम्मीद अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद और अल्लाह के नबी से मिलने की उम्मीद और हौज कौसर से अल्लाह के नबी के हाथों से पीने की उम्मीद और अल्लाह के अरश के साय के नीचे रहने की उम्मीद और जो रिस्क दिया गया उन्हें हम रजाकना उनफून उसे खर्च करते हैं तो ये लोग जो हैं जो ये रब के लिए इतनी सैक्रीफाइस करते हैं रब ने क्या देना है इनको तो रब भी कहता है कि फला फलाताफ सुन माफ़ी जजा अमिमा खान तो कोई नफ्स जानता ही नहीं है कि उनके उनके लिए हमने क्या छुपा के रखा है जो उनकी आंखों की ठंडक का बायस बने और इनको दिया जाएगा क्यों क्योंकि वो नेक अमाल किया करते थे जब अपने कई मज़ीर फरमाते हैं ब्यूटीफुल स्टेटमेंट वाई द रिवॉर्ड इज़ हिडन बिकॉज दुनिया की ज़िंदगी में भी वो बड़े छुप छुप के रात को कोई जानता नहीं था कोई पहचानता नहीं था वो छुप के रब की इबादत किया करते थे तो अल्लाह ने उनके रिवॉर्ड को भी लोगों से छुपा लिया और बताया ही नहीं कुरान में बताया ही नहीं कि उनको रिवॉर्ड का दि क्या दिया जाएगा और सिर्फ कह दिया कि फ़ला थे आलमनफ़न्मा उन्त कि कुछ ज, क्या नफ्स कौन जाने उनका रिवॉर्ड क्या होगा जो उनकी आँखों को ठंडा कर देगा यानी उनके दिल के सरूर का बायस होगा और उनको जो लज्जत उसको देखने से नसीब होगी इमेजिन टेस्ट करने से और पाने से कितनी होगी कि सिर्फ देखने से ही उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी तो जिस तरह मेरे वो बंदे मेरे खास बंदे रात को उठ के रोया करते थे आंसू बहाया करते थे तो उनकी आंखों को मैं आज ठंडा करूंगा उनको रिवॉर्ड्स दिखा के और जिस तरह वो जिस तरह उनके अमाल को किसी ने नहीं देखा इस तरह से हम उनके जो रिवॉर्ड्स हमने तैयार किए हमने वो भी किसी को नहीं बताए वो उन्हीं को मैं दूंगा चोर तजत की नमाज़ पढ़ा करते थे लेकिन अल्लाह कुछ तो पता होगा हमें कुछ तो हम जाने के मिलेगा क्या कोई तो हिंट हो जी हमें हिंट्स मिलती हैं हमें हदीस मिलती हैं अल्लाह के नबी फरमाया कि जन्नत फिलजन्नतरफा बेशक जन्नत में है एक غرف يعني ایک خیمہ ہے نا يعني ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں اتا ہے؟ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال ابو مالك العشري يا رسول الله لمن هي يا رسول الله وہ کن کے قال لمن اتى الْكَلَامِ كلام واط طعام वसल्लासन अमाय के जन्नत में एक टेंट है यानि एक ख़ैमा है और वह ख़ैमा कैसा है कि जिसके बाहर से अंदर नज़र आ रहा है और इसके अंदर से बाहर नज़र आ रहा है वह ख़ैमा तो है लेकिन वह ट्रांसपेरेंट है क्रिस्टल क्लियर है वो पता नहीं किस क्रिस्टल से बनाया हुआ किस चीज़ से वह तम क्योंकि अलजन्ना माल आयिन और रात वाला उदो सतरा अल कलबी बशर किसी दिल ने उसका गुमान नहीं किया न किसी आँख ने देखा ना कान ने सुना उसको तो एक सहाबी ने कहा यसोल्ला वो किन के लिए होगा कहा जो अपनी बात में नरम है लिमन अत अबल कलाम जो अपनी गुफ्तू में नरम है दूसरों को वियर्ड फील नहीं करवाते हैं दूसरों को टॉन्ट नहीं करते पीपल यू नो दे डोंट फील ऑकवर्ड इन दियर प्रेजेंस अपनी बातों से उनको टॉन्ट नहीं करते या पेंच नहीं करते या उनको साइड से ना हेंट नहीं करते कि तुम तो ऐसे बंदे हो वह अतमत वह आम और लोगों को खाने खिलाते हैं और अंडरलाइड इन स्टेटमेंट वह सब सुन आम और वो रातों को उठ के नमाज पढ़ते हैं जब लोग इंसान सो रहे होते हैं वो रातों को उठ के अपनी रफ और राजी करते हैं आप और मैं नहीं चाहते कि हमारा जन्नत में जैसी मरे सलामती के साथ दाखिला हो जाए अल्लाह की मैंने कहा कि तुम ये चार काम कर लो अफुलसलम वतआम वसलह वसल्ल बिल्लील व नासनआम तद खुलजन्नत बसम तुम सलाम को आम करो और लोगों को खाने खिलाओ और सला रहमी करो रिश्तेदारों से और रात को ना उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे अल्लाह अकबर अलैहि वसल्लम फरमाया के तीन तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह तआला जिनसे मोहब्बत करते हैं जिनकी तरह स्माइल करते हैं अल्लाह वक़ यू नो हु आर दिस लकी पीपल या हु आर दिस लकी पीपल जिनको रब दे के मुस्कराए आपने फरमाया उनमें से एक मैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है जिसकी खूबसूरत बीवी हुई यानी वन ही लव्स हर और शी लव्स हिज हस्बैंड यानी पाउज उसके बहुत खूबसूरत हुआ कंफर्टेबल बेड हुआ जिस पर आराम से सो सकता है लेकिन वो फिर भी उठता है अपनी डिजायर को छोड़ता है और वजू करके मसल्ले पे खड़ा हो जाता है तो अल्लाह व तआला अपने एंजल से कहते हैं कि ही हैव स्लेप्ट यानी वो चाहता तो सोता रहता आराम करता रहता उसकी खूबसूरत बीवी है और कंफर्टेबल बेड है लेकिन ही लेफ्ट हिज डिजायर्स एंड ही स्टूड अप फॉर माय सेक तो अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत भी करते हैं और उस पर स्माइल भी करते हैं अल्लाह हू अकबर इमेजिन द ब्लेस्ड पर्सन जिसको रब देख के मुस्कुराए अच्छा सवाल कर सकते हैं आप लोग और ये बनता भी है कि तो आप भाई क्या होगा अगर रब देखे मुस्कुराए तो मतलब क्या बनता है वट हैपन्न तीज़ ए परसन एंड स्माइल्स हमें के नबी ने बता दिया मुसरत अहमद ने इमाम अहमद ने अपने इस हदीस को लेके आया नबी सल्हुल फरमायाबर रब जिस बन्दे को देख के मुस्कुरा देना दुनिया की जिंदगी में तो उसका हिसाब नहीं होगा क्या के दिन फिर कि रब अगर जिस बंदे को देख के मुस्कुरा दे इस दुनिया की जिंदगी में तो फिर उसका हिसाब नहीं है फिर वो जन्नत में वी आई पी लें से होगा फिर वो जन्नत में उससे सवाल नहीं होगा कि ये काम किया ये काम क्यों नहीं किया वो ही एंट जन्न फ्राम दैकडोर जो जन्नत के जो जन, जो मत के दिन के टॉर्चर्स हैं जो लोग पसीने में डूब रहे होंगे सूरज एक मील पे होगा अल्लाह ला याह फर कि उन पे ये सब जो है ना ये सब कैटास्ट्रफी

आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान सबसे ज्यादा जो करीब होता है अपने रब के वो इस पोर्शन में होता है रात के एनज लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट फी जो आखिर ले आखिर जो शख्स लेकिन उनका इस्तात रखता है कि वो इसमें उठ के अल्ला का जिक्र कर सके फकुन तो वो लाजमी करे उसको चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करे क्योंकि ये बतून अल्लाह के करीब होने का जरिया है और मैं आपको बात बताऊँग you know, you know, के अल्लाह ताली से इंसान कब सबसे ज़्यादा करीब होता है कब कौन से ऐसे मोमेंट है जिसमें इंसान अल्लाह रबालमीन से अपने रब से अपने मालिक से अपने पैदा करने वाले से फातर और समावती वाल अर्थ से बदी और सती वाल अर्थ से कब सबसे ज़्यादा करीब होता है तो वो पता है कौन सा मोमेंट है दैट इज़ द मोमेंट जब इंसान सजदे की हालत में होता है तहजद के टाइम पे ये इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है क्यों क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक दो तो हदीस में फरमाया कि अकरब उ माँ यकून राबद में रब ही वाजिद फ़्सर कि इंसान अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे की हालत में है और दूसरी ये हदीस भी आ गई कि अकरब मा रब फी जी आखिर इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है रात के आखिरी हिस्से में नो वी नो फ्राम दू नो प्रसिपल्स ऑफ अकीदा कि अल्लाह अल सब तुम पे मुस्तवी हैं और उनका इल्म जो है फिजिकली अल्लाह व तआला अपने अर्श पे मौजूद है आई होप दिस यू नो एवरी मुस्लिम नोज अबाउट इट और अल्लाह आलमीन अपने इल्म से हर जगह पे मौजूद है यानी ही नोज़ ईच एंड एवरी थिंग ही नोज़ यू नो हम तुम्हारे शाहरख से भी ज्यादा करीब हैं ठीक है तो लेकिन फिजिकली अल्लाह व तआला अपने अर्श पे मौजूद है सुबा अल अरश और रहमान अरश इस तबा और रहमान के ऊपर मुस्तवी है ठीक है बट अ पर्सन इज़

टा निशाना है जो कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करता और अगर आप और मैं समझते हैं कि हमने हर काम कर दिया मुसीबत से निकलने के लिए मगर तहजद की नमाज कंसिस्टेंटली नहीं पड़ी तो हमने कुछ भी नहीं किया और तीसरी चीज वन अनिल वह बन इसम का मतलब यह है कि ये गुनाहों से इंसान को दूर करता है वह तकफीर सई आत और गुनाहों को धोने के बायस बन जाता है सो इफ यू पास स्क्यू तो फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू लीव अ सिन वह तकफीर उल स आत इफ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू नो वन इफ़ यू आर एडिक्ट या है, या कोई पर्टिकुलर सी है या कोई सीक्रेट सीन है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं चाहे आउटवर्ड है या इनवर्ड है या पब्लिक है या सीक्रेट है दिस इज़ फॉर यू। तकफीर सयाद कि ये गुनाहों से इंसान को दूर करता है और ये खताकारों को जो लोगों ने अपने नफसों पे जुल्म कर दिया उनके गुनाहों को धो डालता है सो इट इज़ योर गो टू एरिया दिस इज़ य गो टू प्रेयर जिसमें हमें जाना चाहिए Allah के नबीम के पास एक दफ़ा जबरील अमीन आए और कहा कि आतानी जबरीलम यानी के नबीम के उनको कह रहे हैं आतानी जबरी फ़कौलिया मोहम्मद अः मोहम्मद आप रहें जब तक ज़िंदा रहना चाहते हैं लेकिन एक दिन आपको रब से मिलना है एक दिन आपको वफ़ात एक दिन आप वफात आ जाएंगे वाह बब मनशियत फ़ान्ना का मुफारको जिससे आप मर्जी मोहब्बत करना चाहते हैं आपका रहें लेकिन एक दिन जुदाई का वक्त आ जाएगा और मुफारक मुफारकत यानी योर मीटिंग्स योर लव विल बी फॉलोड बाई डिपार्चर واعمل ما شئت فانك مجزي به جو کام آپ کرنا ہے کریں اس کا بدلہ ملے گا ثم قال يا محمد اور پھر کہا محمد صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام بالليل ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف الاستغناء من الناس नास। और उसकी जो इज़्ज़त है जो उसकी तकरीम है वो लोगों से गनी होने में है यानी लोगों पर डिपेंडेंट ना होने में है यू नो सुबह सल्लम को जबीम बड़े एक ब्रदरली तरीके में एक यू नो बेस्ट फ्रेंड के तरह से उनके पास आके और नो डाउट जिब्रील वॉज वन ऑफ़ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ रसोल ठीक है आगे डिफरेंट बातों की बताते हैं उनको और कहते हैं कि लेकिन जान लें कि जो मोमिन का शरफ है ना और इज्जत और ऑनर है वो कैमुल में है और लोगों की जो, जो रिस्पेक्ट है वो लोगों से गनी हो जाने में है सो बात क्या है कि जो लाइफ का क्रक्स है वो ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसको इज्जत मिले उसको ऑनरेबल हो वो, वो सक्सेसफुल हो और हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें तो क्या करें क्या उलैल की नमाज पढ़े और लोगों पे डिपेंडेंट ना रहे एंड दिस इज़ एन ऑनर अल्लाह विल पब्लिसाइज इवन इफ़ यू डोंट वांटड अल्लाह लोगों में इसको फैला देंगे अगर कोई शख्स क्यामलैल पढ़ता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मुहबत डाल देंगे और उसको ऑनर और तकरीन बख्शेंगे ये अल्लाह का एक असूल है सैद अबिन मसीब कहते हैं क्याल के बारे में कमा कहते हैं सईद इबन मसैबर इन रजुल फ़ैज अज नूरा वही हिब्ब हुआ कुल्लु मुसलिम फ़ैरा हु मलम फ़ूल इन्नी सैदी कहते हैं राह के एक शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए क्या मलेल करता है तज़द की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तला उसके चेहरे में ना नूर को भर डालते हैं अल्ल तेहरे को ना नूर से भर देते हैं और हर मुस्लिम उस बंदे से मुहब्बत करना शुरू हो जाता है और उसमें यानी वो क्याल की वजह से एक अजीब सा नूर एंड ब्यूटी एग्जामिन करता है और ऑब्जर्व करता है और फिर इंसान इस मोहब्बत की वजह से क्या उठता है कि वाला ही इन्नी उह, इन्नी आ, रजुल कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए एंड दिस इज़ वट यूज़ टू हैपन विद सेल्फ एज़ वेल इमाम वकी रहा जो कि इमाम शाफी के उसाद थे इमाम वकीय इबन जर्रा कहते हैं कि लोग यानी लोग उनके बारे में कहते हैं कि एंजल an है ये 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 फरिश्ता है इंसान नहीं है वाई? इबन सरीन को, लोग जब देखते तो कहते हैं अकबर सुफहन बिकॉज ही विद रेड चीक्स एंड ब्यूटीफुल फेस स्मार्ट एंड सम वो फ्रॉम पास्ट जब उसे पूछा गया कि तुम्हारी तो खूबसूरती का राज क्या है एंड दे दे सेड कि वी प्रे कैमो लईल वाई बिकॉज इट ब्यूटिफाई द फेसेस और दो ये हमारा ये मेन रीजन नहीं होना चाहिए इंसान का कि आई प्रे कैमो लैल टू ब्यूटिफाई लेकिन दिस थी इज दीज आर साइड साइड बेनिफिट्स नो no डाउट जो शख्स पढ़ेगा क्या मुल उसको अल्लाह सुबह नसीब करेंगे ऐसा रहम्ल्ला ने बहुत कुछ कहा कि जो शख्स पढ़ता है उसकी आंखों में जो है ना नूर होता है उसके चेहरे पर एक वजाहत होती है उसके जिसम में एनर्जी होती है और जब वो सुबह आता है ही वेक्स अप फुल ऑफ एनर्जी एंड पीपल लव हिम लाइक क्रेजी यू नो एस बी सी यू नो एज बी सी स्काई कि वो चमक रहे हैं लाइक जो आसमान के फरिश्ते हैं जो अल्लाह के मुकरब मलाइका हैं, वो इस जमीन पे भी कुछ स्टार्स देखते हैं और वो स्टार्स क्या है जिन घरों में क्या वो की नमाज पढ़ी जाती है और तहज की नमाज पढ़ी जाती है और उसमें कुरान की तिलावत की जा रही होती है हज़रत कहती हैं कि कान नबी सल वसम लैल है तफफरत कदम अत तदफर कदम आहू जब तक आप आप क्या मलेल पढ़ते थे जब तक आपके कदम जो है ना स्वेल कर जाते और फट जाते क्रैक्स पड़ जाते हैं उनमें तो मैं उन्हें कहती फ़कुल्हू लम तस नसोल्ला वद गफरल कमाता कदम भी या रसूल अल्लाह आप इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं इतनी एफर्ट क्यों करते हैं जब अल्लाह व तआला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए तो सल् सल्हलम ने कहा अफल अकून आब्दन शकू र का शिक्र गुज़ार बंदा न बनूँ क्या मैं अल्लाह का शिक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ सुफहान अल्लाह जिस घर में तीन तीन महीने के लिए आग नहीं जल रही और अशदलाम्बिया सबसे ज़्यादा तो मुसीबतें अंबिया पर आती हैं और अल्लाह की मुसीबत सबसे ज़्यादा आईं जिस शख्स ने जनाजे अपनी अपनी औलाद के उठाए हों जिस शख्स की एक ही ज़िंदगी में उनकी बेगम बीवी महबूब खदीजतलकुबरा चली गईं और उनकी बैकबोन जो उनको सपोर्ट किया करते थे उनके चाचा चले गए और उसको आम उहा कहते हैं जिस शख्स की ज़िंदगी में उनकी कौम और उन्हें उनसे बायकॉट कर दिया और उनको घास और चमड़े खाने पर मजबूर कर दिया जिस शख्स को अपने प्यारे वतन से और शहर से मक्का से निकाल के हिजरत करनी पड़ी हो शख्सत आफून शकूर कि आयशा में अल्लाह का शिक्र गुजार बनाना बनूँ कि तुमने नवी बना के भेजा ये तो हमें कितना शिक्र अदा करना चाहिए लुम तुम शुक्र करोगे तुम हम मजीद अदा करेंगे लेकिन तुम कुफ़र करोगे तो फिर मेरा अज़हा बड़ा शदीद है सो आम श्योर वी गज आर सुपर मोटिवेटेड मोमेंट्स एंड फॉर दीज मोमेंट्स

तो अल्लाह भी हमें गाइड कर दिया और कहा कि तुम में से जो शख्स रात में खड़ा होता है यानी क्या मुलैल के लिए और दस आयात की तिलावत करता है तो उसको गाफिलीन में से निकाल दिया जाएगा उसको गाफिलीन की लिस्ट में से नहीं लिखा जाएगा ही इज़ नॉट फ्रॉम द नेग्लीजेंट जो शख्स सौ आयात की तिलावत करता है ही इज रिडन फ्रॉम द डिवोट वर्शिपर्स जो कि आबिद हैं अल्लाह डिवोटेड वर्शिपर्स हैं और जो शख्स हजार आयत की तलावत करता है वो मुकंतरीन में से लिखा जाएगा यानी दोज हु गैदर द किंतार अब यू नो वल्लाहु आलम व्हाट व्हाट किंतार इज सो व्हेन वी गो टू अरेबिक लैंग्वेज एंड वी सी सम ऑफ द ओपिनियंस वन ऑफ देम सेज के इट इज फोर थाउजेंड गोल दिनार्स एज इफ अगर जो शख्स हजार आयात की तलावत करे वो हर रात को चार सोने के सिक्के जमा कर रहे है अपने लिए एंड अदर से इट इज़ ह्यूज एंड अनोन अमाउंट ऑफ मनी एंड अदर से इट इज़ यू नो अ स्किन वर्थ ऑफ गोल्ड कि जितनी एक बुल की स्किन होती है वर्थ ऑफ गोल्ड उतना वो कमा के ले जाता है लेकिन अतिब्रानी तिबरानी राहम उन्होंने अपनी मौजम में लिखा है वसल्लम ने भी हमें बता दिया कि के तार क्या है फरमाया अलकिनतार खैर मिन दुनिया व माफिया कंतरी नहीं पूरी वन सिंगुलर किनतार वन किनतार इज खैर मिन दुनिया व माफिया इट इज बेटर देन दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इट कंटेन्स एंड दीज पीपल आर रिटर्न फ्रॉम द मुकंतरीन इब्न हजर रहम लिखते हैं कि और आप लोग भी देख लें कि सूर मलक से सूर सूर मुल्क से तबारक लदी बियादिल मुल्क से सूर नास तक एंड तक हज़ार आयत बनती है जो शख्स शख्स चाहता है कि वह मुकंदरीन में से बन जाए उसको चाहिए कि वो जुजबारक और जुज आमा पढ़ लें यानी उनतीसवा पारा और तीसवा पारा पढ़ लें वो हज़ार आयत पढ़ लेगा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि माय मेमोराजेशन इज वीक मुझे तो कुरान में से कुछ याद ही नहीं है तो अल्लाह ताला तो आपके लिए कहते हैं फख्र वाला माता कुरान पढ़ें जितना आपको आसानी से पढ़ा लग जाता है इवन इट इज़ सूरह सूर्यलास सूर अखलास इट इज़ वन थर्ड ऑफ द कर्न योर अब्दुल्लाबिन उमर राय अपने स्टूडेंट्स के पास गए तो उनको एडवाइज़ किया और कहा कि क्या मुँह ना छोड़ा करो चाहे थोड़ा ही क्यों ना पढ़ा करो उसमें और फिर मिसाल देते दे हुए कहा कि यानी थोड़ा मीन्स के वन थर्ड ऑफ द कुरान पढ़ लिया करो देवर you know, से उम्र बताब सॉरी अब्दुल्ला बिन उमर केन थर्ड ऑफ द कुरान इट इज़ सो मच यूट के इन शहन कुरान

अल्लाह अकबर अल्लाह ताला इतने केयरिंग हैं इतने मरसिफुल हैं कि अल्लाह व तआला उसके लिए उस रात के क्याल का अजर लिख देते हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से उसका सोना जो है वो सदका होता है उसके लिए और वो रिवॉर्ड मिलता रहता है वो इंसान सो रहा है और अल्लाह आलमीन उसको उसका जो है ना सवाब लिखे जा रहे हैं वाई ही वॉज अ परसन वॉजेंडेल ही वॉज अ परसन जो कि सिंसियर था और क्याल के लिए वॉक में उसकी नीयत थी लेकिन वो आपके में इतना नहीं था कि हर रात ही क्या मुलेल की नियत करते और हर रात ही नहीं उठ सकता दिस दिस स्ट्रेंज। इब्ने रज़ब रजबरबली रहम अल्लाह ही सेड के यू नो आ द क्वेश्चन के हमें तो क्या मुलेल के पढ़ने में मजा ही नहीं आता हमें तो बस एक बोझ लगता है एक मजबूरी लगती है क्या करें तो इब्ने रजब राह कहते हैं कि दोज द प्लेजर ऑफ क्राइंग एंड द प्लेजर ऑफ फ्रंट ऑफ नॉट एक्सपीरियंस मिसिंग ही नहीं इज़ अ पैराडाइज ऑन दिस अर्थ इट इज अ गिफ्ट लो तो वो आपके और मेरे गुनाहों की वजह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हाउ कैन बी

जिस बंदे ने यूसुफ की ब्यूटी को देखा ही नहीं कैसे समझा उस बंदे को कि यूसुफ की जुदाई में उनके बाप याकूब ने आंसू बहा दिए और आंखें अपनी खो दीं क्योंकि जिस बंदे ने यूसुफ की खूबसूरती नहीं देखी राइट तो इसी इसी तरह से जिस बंदे ने क्या लो भी एक्सपीरियंस नहीं किया और रात को उठ के एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो क्या कैसे इसको करेगा वो मैं फते हजत भी नया फिर आसा अब आसा का रब का मक़ाम महमूदा अल्लाह के नबी को कह रहे हैं अल्लाह ताली के रात को तहजद की नमाज़ को पढ़ा करें नफल को हो सकता है आपका रब आपको मुकाम महमूद पे पहुंचा दे यानी मक़ाम महमूद इज अ प्लेस वेयर यू नो जन्ना इट्स अ टॉप ऑफ जन्ना एंड नो वन विल गेट इट एक्सेप्ट वन पर्सन एंड इट्स वन प्लेस और अल्लाह के नबी ने फरमाए खरीद इसमें कि मुझे उम्मीद है कि मैं वो शख्स तो जो शख्स मेरे लिए हर अजान के बाद दुआ करेगा मकाम महमूद की तो मैं उसके लिए शिफात की गारंटी देता हूँ इसलिए हम पढ़ते हैं कि किम व आत महमदीला तबलफी एंड दैट बका महमूद उसका जो नाम है उस जन्नत का वो उसका नाम है अलसीला और हम इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी वम को वो जो जगह है वसीला वो वा कर दें और वो भी अल्लाह के नबी व क्या कह रहे हैं कि जो अब तहज की नमाज़ है या पढ़ें हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला मक़ाम महमूद पहुँचा दें एंड समल्मा से डिफरेंट थिंग्स के मक़ाम महमूद वो टाइम है जब अल्लाम मोहम्मद कहेंगे कि या मोहम्मद कुम इरफार असक वशफ तुशफ़ा अपना सर उठाएँ सल तो सवाल के राम को अदा किया जाएगा शिफात क्रम को शिफात कबूल की, की जाएगी और जब अल्लाह के नबी को शफात कुबरा का मौका मिलेगा वह मक़ाम महमूद है वस कुरिस में रबी के व नहीं तब कि अपने रब का जिक्र करें और आप उसके लिए सॉलीटूड इख्तियार अलहदी इख्तियार करें अकेले हो जाए फैजा फ़र तफन सब इला रबी का फ़र अब जब आप अपने कामों से फ़ारग हो जाए तो फिर अपने रब के लिए अकेले हो जाए सो नाइट टाइम इज़ वेरी स्पेशल इवन साइकोलॉजिस्ट दे से द नाइट टाइम इज़ वेरी स्पेशल आ, एक सलफ हैं और जिनका नाम जहन से निकल गया वो वो ये कहा करते थे कि मैंने अपने नफ्स को 20 साल तक क्याल के लिए मजबूरन और जबर करके उठाया और फिर अगले 20 साल मैंने उसका उसको क्या उलैल को एंजॉय किया यानी इफ़ अ पर्सन वांट्स टू एंजॉय क्या उलैल उसको अपने नफ्स पे जबर करना होगा अपने नफ्स को टेम करना होगा अपने नफ्स को ग्राइंड करना होगा इन शुआ था कि नफ्स को चलने के लिए बहुत काफ़ी है तो वी हैव टू स्ट्रगल एंड स्ट्राइव एंड प्रे विद डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी और इन शाह फिर उसका रिवॉर्ड देंगे बिकॉज यू के नॉट एंटर जरना विदाउट ग्राइंडिंग योर नफ्स एंड ग्राइंडिंग योर सोल एंड वंस यू ग्राइंड इट इट बिकम्स टेम तो फिर वो आपके पहले आप घसीटते हो और घसीटते हो और फिर आपके वो ताबे हो जाता है फिर आप जो कहते हो वो आपकी मानता है सो दिस नाइट टाइम इज वेरी स्पेशल जो लोग जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसको वो डेडिकेट करते हैं अपने रात का वक्त इट्स इट इज वेरी इमोशनल एज वेल इवन द साइकोलॉजिस्ट साकोलॉजिस्ट इवन द लवर्स दे स्पेंड द नाइट टाइम विद विदविड ये तो वजह है कि रात को 12 से 5 के पैकेज लगे होते हैं और एक कंपनी उसको फायदा उठा दे बेनिफिट ऑफ द नाइट टाइम एंड सो बेनिफिट ऑफ द नाइट टाइम एज वेल बिकॉज नो डिवोट दिस स्पेशल टाइम फॉर हिज लव नाइट इज अ टेस्टमनी फॉर अ परसन लव कि बंदा कितना सच्चा है अपनी मोहब्बत में हजरत आशा कहती है कि जब हर महबूब अपने होब के पास अपने आशे के पास चला जाता था तो अल्लाह के नम अल्लाह ताला अल्ला के के लिए अलग हो जाते थे यानी काबा में चले जाते या कभी वो बकी में की तरफ चले जाते अब इफ अ पर्सन ट्रूली लव समथिंग ही डिवाइड्स हिज नाइट टाइम फॉर इट जो लोग गेमिंग में है वो रातों को गेमिंग करते रहते हैं जो लोग ड्रग्स में है वो रातों को ड्रग्स करते रहते हैं जो लोग किसी से मोहब्बत के का शिकार हैं वो अपनी रातों को उनको टाइम देते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं लेकिन आनु अरद्ला जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं और वह रात का वक्त अल्लाह के लिए निकालते हैं दे, हम नमाज साल में एक ना पढ़े और सिर्फ रमज़ान में तरावी पढ़ लें विच इज एज और फिर उसको छोड़ दें दिस के नॉट रि डू

कि रातों को उठ के जो लज्जत और प्लेजर और मिलती है वो कहीं बेहतर है उस गुनाहगार इंसान को जो प्लेजर और लज्जत मिलती है गुनाह करने के बाद रात में और कहते हैं कि अगर इस ज़िंदगी में रात का क़्याम ना होता और रात ना होती तो आई वुड है फॉर डेथ इस ज़िंदगी में जीने का मजा ना होता अगर रात ना होती और क्या ना होता

क्योंकि जिसके दिल में बहुत अज़ीम है वो लाजमी अपनी रात को डेडिकेट करेगा फ़लई तक का तखलु व हयातुम वली वली तरदा वल अनामी वलैत बनी का आमिर فكل الذي فوق फ़ोक तुराबो शायर कहते हैं कि अगर मेरा और तेरा रिलेशन ठीक है और मेरे और तेरी सेटिंग है और इफ़ यू आर प्लीज विद मी एंड आई एम हैप्पी विद यू वह बही वीमी खराबू तो शायद मेरे पूरी दुनिया से अनबन हो जाए और मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूं आई डोंट केयर सल्दू याबुना ओ मेरे ऑब्जेक्टिव ओ मेरा डिज़ायर ओ मेरा मकसद और पर्पस जब तेरे साथ मेरी मोहब्बत ठीक है फ़कुल फोकत तो रे तो तो फिर हर चीज़ जो मिट्टी के ऊपर है वो मेरे लिए मिट्टी ही है मेरे लिए कुछ कदर कीमत के पास नहीं है मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की बस मुझे तू मिल जाए तो सो ट्राई ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जब अल्लाह आलमीन रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे आते हैं और सवाल करते हैं यू नो कैन यू जस्ट इमेजिन व्हेन यू सडनली वेक अप एट नाइट एंड यू इमेजिन कि अल्लाह आलमीन ऐलान कर रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा लेकिन मुझे अल्लाह के नबी की, की हदीस पे यकीन है कि अल्लाह आलमीन ऐलान कर रहे हैं है कोई दुआ करने वाला उसकी मैं दुआ कबूल करूँ है कोई सवाल करने वाला उसको मैं अता करूँ है कोई बख्शिश और माफ़ी मांगने वाला उसको मैं माफ़ कर दूँ अल्लाह आलमीन ख़ुद बज़ात खुद ऐलान कर रहे हैं तो हम लोग हम हमारी बजाल हमारी ज़रूरत कि हम उस स्पेशल मोमेंट पे कहीं यार अब नहीं मुझे नहीं ज़रूरत मुझे ना माफ़ी की जरूरत है ना मेरी कोई दुआ है ना मेरी कोई नीड है मैं गनी हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए है कोई हमें से ऐसा शख्स जो कहे मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है या मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भले आज हमें से कोई नहीं है हम लोग फ़ीर हैं वो गनी है अंतनीफ़र उन्तलवीन आप गनी एम फ़कीर हैं आप कवीम ईफ़ हैं, हैं, हैं हम आपसे मांगते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए वी शुड स्टैंड अप फॉर नाइट प्रेयर और एक वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपर्ट हैं क्रेग बैलेंटाइन मैंने पहले भी uh, काफ़ी दफ़ा बताया उनके बारे में कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया फ़ॉर यू नो वर्क लाइफ बैलेंस और वो है टेन थ्री टू वन जीरो फार्मूला टेन थ्री टू वन जीरो फार्मूला और वो कहते हैं कि यू नो टेन आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड आपने क्या नहीं करना है एंड थ्री आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड आपने क्या नहीं करना है एंड टू आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड आपने क्या नहीं करना सो टेन आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड नो कैफीन फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को दस बजे सोते हैं ठीक है तो बारह बजे के बाद कैफीन ले नहीं लेनी आपने दिन के बारह के बाद नो कैफीन ये जो शाम की चाय और ये सब चल रहा होता है दिस डिस्टर्ब्स आर स्लीप हमारा स्लीप पैटर्न सारा डिस्टर्ब कर देती है वॉच आर लेक्चर्स ऑन स्लीप मैनेजमेंट दस घंटे पहले नो स्लीप नो कैफीन तीन घंटे पहले सोने से इफ यू स्लीप एट टेन पी एम सात बजे नो मोर फूड और ड्रिंक ही सेज एल्कोहल बट एज मुस्लिम नो फूड और ड्रिंक टू आवर्स बिफोर स्लीपिंग नो मोर वर्क कोई ऑफिशियल काम नहीं लीव इट ऑफ बस खत्म वन आवर बिफोर यू गो टू बेड नो मोर स्क्रीन टाइम नो मोर यूजेज ऑफ सेलफोन और आई पैड एनीथिंग एल्स एंड जीरो टाइम्स यू हैव टू हिट द स्नूज बटन इन द मॉर्निंग सो इट्स टेन थ्री टू वन जीरो फॉर्मूला दस घंटे पहले नो कैफीन तीन घंटे पहले खाना खा लिया आपने दो घंटे पहले काम छोड़ दिया एक घंटे पहले स्क्रीन छोड़ दी और जीरो स्नूज बटन बिकॉज यू नो स्लीपिंग एंड वेकिंग अप एंड योर मसल्स योर हैबिट्स आर योर मसल्स अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा सो दिस डू एंड मेक दो आठ वर्ष अल्लाह महब इन ईमान वयलूबी व कर रहेफ़र वफसूक वालान कस याला ईमान को महबूब बना दे हमारे दिलों में और इसको मुजयीन कर दे हमारे दिलों में और कुफर से और फिस्क से और अल्लाह आपकी नफरमानी से हमारे दिलों में नफ़रत पैदा कर दे क्योंकि इट इज़ द क्लोजेस्ट टाइम विद अल्लाह हाउ कैन अ पर्सन हु लिव्स फॉर लाइक सिक्सटी इयर्स मिस इट मिस दिस ब्लेसड अपॉर्चुनिटी सो बी फ्राम दोज आर सक्सेसफुल बी फ्राम दोज हुर ब्लेसड वनो हाउ ब्लेड आर दोज पीपल जो अपनी कब्र में जाने से पहले अपनी कबर के लिए नूर का रोशनी का बंदोबस्त कर लें जो क्यामत के दिन दाखिल होने से पहले क्यामत के दिन अपने साय का बंदोबस्त कर लें और अल्लाह आलमीन से मुलाकात से पहले उसको राजी कर लें व आखिर अनिलहमद रबालमीन रबानबुल मन्ना

जिनसे अल्लाह इस दुनिया में राज़ी हो जाए जिनको अल्लाह किसी भी फितने में और इम्तहान में मुबला ना करे और जब तक हमारी ज़िंदगी में खैर है हमें ज़िंदा रखे और जब हमारी ज़िंदगी से ख़ैर ख़त्म हो जाए और शर के आने से पहले पहले और फितनों में मुलिस होने से पहले पहले अल्ल हमें आ, ला, ला पर मौत नसीब करे आमी और रबीन इंदीज़ यू नो इन दीज टाइम्स और ऑफ़ फितना और बहुत बड़ा फितने के भी वक्त हैं औकात हैं अल्लाह ताला तो हम सबको फितों से बचाए और हम सब को अपने मकरबीन में से बना दे हमें गाफिलों की लिस्ट में से निकाल दें हमें अपने आबिदीन में से लिख दे अपने महबूब बंदों में से लिख दे और हमें मुकंतरीन में से लिख दे जो कि वाकईतन इस टाइम का बेनिफिट उठा के इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं खैर आज जरा फैद बारफ़ी वाली वरहमल् वर्का सी यू इंशाअल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ डिफरेंट टॉपिक Uh, as you guys know we cover different topics every wednesday from 9 p.m uh, onwards plus minus 10 minutes akser inshallah so uh, don't hold me accountable on that please Assalamu alaikum wa rahmatullah